हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। आज मैं आपको इस वीडियो में परसेंटेज के बारे में बताऊंगा, जो कि इससे एसएससी या अन्य बैंक एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं परसेंटेज के कुल कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले इसके बेस के बारे में बताऊँगा कि परसेंटेज होता क्या है, और इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज उसे कहते हैं जिसमें, जैसे कि मान लिया ए अपॉन बी, इसमें अगर ए बी की जगह 100 आ जाए तो उसको परसेंटेज कहते हैं। मतलब जो हर में अगर 100 दिया हो तो उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। मीन्स इसमें हर सदैव 100 होता है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ कि परसेंटेज क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर यक्स को एक्स परसेंट के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे? तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन 100। तो ये हमारा परसेंटेज के रूप में हो गया। तो ये छोटा सा एग्जांपल था। इसी प्रकार हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। इफ़ अगर मान लो अगर एक्स अपॉन वाई को परसेंटेज के रूप में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग एक्स अपॉन वाई को इक्वल टू 100 लगा देंगे। तो ये हमारा परसेंटेज के रूप में पूरा हो जाएगा। इसमें हर ऊपर 100 ऊपर आएगा ये परसेंटेज के रूप में बनाने के लिए। तो ये हमारा परसेंटेज के रूप में एक्स अपॉन वाई का हो गया। कुछ आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आपको कुछ पॉइंट याद करने की ज़रूरत है। तो इसके मैं आपको 5-6 वीडियो बनाकर दूंगा, जिसमें आपको एक एक सवाल, एक एक कन्फ्यूजन, जो भी है, जितनी भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, उन सबको कन्फ्यूजन को आपको मेरा मैं उन कन्फ्यूजनों को दूर करूंगा। और अगर आपको ये पसंद है वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो प्लीज़। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा, और उन पॉइंटों को याद करके आप क्वेश्चन में उनका उपयोग यूज कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट हमारे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक को अगर परसेंटेज के, एक हमारा 100% होता, तो इसको एक ये नंबर के रूम में, ये 100% के रूम में। तो कुछ पॉइंट हैं इसमें आपको याद करने पड़ेंगे। तो 1/2 को कितना लिख सकते हैं हम लोग? 50%, क्योंकि 1/2 × 100, तो हमारा ये 50% आ जाएगा। इसी प्रकार 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 33, सही, 1/3%। और 1/4 को लिख सकते हैं 25%, क्योंकि 1/4 × 100, तो 4 से 100 कटेगा, तो 25% आ जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग 1/5 को लिख सकते हैं 20%, और 1/6 = 16 / 2/3%। और 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार 14 / 2/7%। और 1/8 को लिखेंगे हम लोग 12 / 1/2%। और भी आगे कुछ हम लोग, जैसे कि 1/9 को किस प्रकार लिखेंगे, इसको अभी ये बता रहे हैं हम इस वीडियो में। 1/9 को कितना लिखेंगे हम लोग? 11 / 1/9%। और 1/10 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/10 × 100, तो 10%, ये हो गया। इसको ये परसेंटेज के रूप में लिखना है, ये मतलब डेसिमल के रूप में, ये डेसिमल के रूप में है और ये परसेंटेज के रूप में। इसी प्रकार 1/11 को हम लोग क्या लिखेंगे? 9 / 1/11%। तो ये कुछ पॉइंट है, इनको आप याद करिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इनको आपको क्वेश्चन में शॉर्ट में आप लिख सकते हैं और उनको क्वेश्चन को आंसर आसानी से दे सकते हैं। और इनका यूज करना आपको बता रहा हूँ मैं अभी। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लीजिए, 100 × 25%। तो हम लोगों को पता है, अगर आपको शॉर्ट पता है कि 25% का क्या होता है, तो 1/4, तो 1000 × 1/4 इसे काट देंगे हम लोग। 4 × 2 = 20, 250।
तो ये हमारा 250 हो गया। और अगर आपको ये अगर पता हो तो आप आसानी से 250 निकाल सकते हैं। तो अगर आपको दूसरी तरीके से आपको जैसे बताएं तो 25 अगर परसेंटेज, तो इसको आपको 100 करना पड़ेगा। तो ये दो दो काटेंगे आप, गुणा करेंगे, फिर तब आएगा 250। अगर आपको ये शॉर्ट में पता तो आप जल्दी से बड़े क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपके आ भी सकते हैं। तो प्लीज़ आप अगले वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगले वीडियो को मैं कुछ ही देर में अपलोड करूँगा। और प्लीज़ मेरे अंत में आपको अगर मेरा चैनल अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं और वीडियो अपलोड करके आपको अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूं। तो उससे पहले आपसे अलविदा लेता हूं, बाय।